तो रांची शहर के मैदान से अब देखना है कि यहाँ ऑडिशन देने आई मेम साहबों के ऑडिशंस बाउंड्री के पार हो रहे हैं या फिर उन्हें मिल रहा है फ्री हिट। शादी करके खुश नहीं हो? शादी करके कौन खुश होता है, ये तो वो लड्डू है जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया सो तो। जी हाँ, आज लगेंगे चौके पे चौके, छक्के पे छक्के। ये कोई मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस शहर की जिस शहर में आते ही क्रिकेट का खुमार हर किसी पे चढ़ जाता है। ये शहर है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी का शहर यानी रांची। आज होगी टैलेंट की चौकों छक्कों की बरसात आपके पसंदीदा शो में यानी एक्सपर्ट बिग बेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। झारखंड की राजधानी रांची, जिसकी हर बात निराली है, प्रकृति की गोद में बसे रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची के आसपास के नजारे भी बहुत खूबसूरत हैं। भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती कई क्रांतियों की भी गवाह रही है। तो रांची शहर के मैदान से अब देखना है कि यहाँ ऑडिशन देने आई मेम साहबों के ऑडिशंस बाउंड्री के पार हो रहे हैं या उनके ऑडिशंस नो बॉल हो रहे हैं या फिर उन्हें मिल रहा है फ्री हिट। तो आइए चलते हैं ऑडिशंस वेन्यू पे। सबकी खाट मैं ही बनूंगी बिग मैम साहब सीजन 7। अदा है, हुनर है और मुझ में है कुछ खास और इस बार मैं ही बनूंगी बिग मैम साहब सीजन 7। तो दोस्तों मैदान सज चुका है, खिलाड़ी तैयार हैं, अब हमें बुला रहे हैं उन अंपायर्स को जो इन खिलाड़ियों पे अपने फैसले सुनाएंगे। हमारी आज की पहली जज है रांची की मशहूर शख्सियत और क्लासिकल गजल गायिका मृणालिनी अखौरी जी। विनोद राठौर और पंकज उधास जैसे बॉलीवुड के दिग्गज गायकों के साथ ये मंच साझा कर चुकी हैं। यहाँ की महिलाएं तो खास करके झारखंड की बहुत एक्टिव हैं। आप चाहे जिस क्षेत्र में भी लें, वो डांसिंग है, गायन है या स्पोर्ट्स है, सभी में अव्वल हैं। झारखंड के कला संस्कृति विभाग, उद्योग विभाग, झारखंड सिने अवार्ड्स के अलावा अपनी उपलब्धियों के लिए झारखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा ये सम्मानित हो चुकी हैं। आज मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है और देखना है जजमेंट पे ये कि महिलाएं डांस, गाने और बाकी चीज के साथ कितनी कॉन्फिडेंट हैं। हमारी आज की दूसरी जज हैं लेखक, कवित्री और स्तंभकार वीणा श्रीवास्तव जी। इसी साल इजिप्ट में इन्हें प्रमोद वर्मा युवा सम्मान से नवाजा गया है। बिग मैम साहब सीजन 7 के लिए जो मैं आज जा रही हूँ, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। अब तक इनके 3 काव्य संग्रह तुम और मैं, मचलते ख्वाब और लड़कियाँ प्रकाशित हो चुके हैं। महिलाएं हमारी इतनी जागरूक हैं और घर परिवार को देखते हुए उसके बावजूद वो अपने कला को निखारने की कोशिश कर रही हैं, उनमें जो आर्ट है उनको सामने लाना चाह रही हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का रांची के इस ऑडिशन में। ऑडिशंस को फौरन स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। थैंक यू प्लीज। बिग मैम साहब महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से हम लोगों को अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इसमें उत्साहित किया जाता है। मुझे घर में सबको सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं इस बार बिग मैम साहब बन कर ही जाऊंगी। आई होप कि मैं ही जीतूंगी और जजेस बी रेडी। मैं इस बार भी वही हौसला लेकर के आई हूँ और जजेज को बताना चाहती हूँ कि मैं वही नीलम सिन्हा हूँ जो सीजन 3 में जीत के गई थी और इस बार भी मैं ही जीत करके जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं रांची के मोराबादी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैंने अपना प्रोफेशन के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू किया। घर पे डांस भी करती हूँ थोड़ा बहुत, कहीं सीखा नहीं है प्रोफेशनली बट घर पे करती हूँ और गाने गुनगुनाने का और सुनने का काफ़ी शौक है, जिसके वजह से मैंने सोचा कि शायद मैं बिग मैम साहब में आ सकती हूँ। मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए जजेस के सामने। अब मैं जाऊँगी और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आऊँगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि जज मुझे ना नहीं कर पाएंगे। हेलो मैम, नमस्ते। क्या हुनर दिखाना चाहती हैं आप? कहानी ये
अगली मैम साहब तशरीफ लाएं प्लीज। आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात, क्या नाम बताया था आपने? अनुराधा। अनुराधा जी, डांस में तो आप एकदम से लग रहा था कि फराह खान जैसा आप डांस। सर भी मेरी डांस की प्रैक्टिस छूट गई है इसलिए। जी, वरना आप फराह खान को पछाड़ देते। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं डांस करती थी, मुझे बहुत शौक था। जी जी। और मैंने इतने 2-3 साल से डांस किया नहीं। किया नहीं है, क्यों, कहीं छुट्टी पे गई हुई थी? किस तरह की पत्नी आप अपने आप को मानती हैं, कि आप कैसी पत्नी हैं? डोमिनेटिंग। आप मुझे कोई एग्जांपल देके बताएं। मुझमें लीडरशिप का गुण रहा है। जी जी। लाइक कि मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ, कोऑपरेटिव हूँ, बट डिसीजन मुझे लेने पड़ते हैं। डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ पे डिसीजन आपके फेवर में हो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। कहाँ बीतवला नाए रतिया, कहाँ बीतवला ना मतिया, मर लस कवन सवतिया रतिया, कहाँ बीतवला ना। यही एक मंच है जो अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को दिखाने के लिए इस मंच तक हम सब आते हैं। अगली मैम साहब तशरीफ लाएं प्लीज। क्या कहा, एक्सीडेंट? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे तेरा जिंदगी देने वाला के जिंदगी उखाड़ लिया। रांची के ऑडिशंस चल रहे हैं और ऑडिशंस हॉल के बाहर जो मेम साहब अपने ऑडिशंस के लिए प्रतीक्षा में हैं, मैंने उनमें से 6 को घेर लिया है और उनसे करने वाला हूं कुछ बात, उनसे जानने वाला हूं उनके दिल का हाल और भी बहुत सारे हैं मेरे पास सवाल। जब शादी होती है तो आदमी सोचता है कि सलमान खान जैसा कोई डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी से शादी हो, पर बाद में मालूम चढ़ता है कि वो बंदा अनुपम खेर निकल गया। तो एक टकला पति के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे पति का टकला है सर, सीरियल में टकला है वो। हाँ। इतने चेहरे पे आपके चमक है, खूबसूरती है, इतना कॉन्फिडेंस है, क्या जीवन का क्या फलसफा है, कैसे सोचते हैं कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए? वो आप मेरे सामने खड़े हैं। बिग बैम साहब के ऑडिशंस के लिए कई बार और भी आ चुकी हैं, इस बार क्या सोच के आई हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने आई हूँ। क्या बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं रश्मि जी आपको। और मेरे दाएं तरफ है, मेरा नाम है मुन्नी। मुन्नी जी, ये बड़ा एकदम ये ना एक चलाकी वाला नाम है मुन्नी जी। मुझको तो पूरा हिंदुस्तान जानता है और बदनाम भी किया है सर। जबकि आपने कुछ किया भी नहीं जी। हमने कुछ आप ऐसा कुछ करे यहाँ कि मुन्नी का नाम हो जाए, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ सर, नाम करने के लिए ही आई हूँ। आप यहाँ नाम करे ये हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर यहाँ कुछ ना भी हुआ तो इस बात का आपको गर्व होना चाहिए कि आप 90 साल की भी हो जाएंगी, लोग आपको कहेगा मुन्नी। ठीक है, क्या सबसे बढ़िया तारीफ कभी की है उन्होंने जिंदगी में आपको? तो बोलते तुम तारीफ के लायक है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। हाँ। फिट हैं आप? फिट हैं सर। फिट हैं? हाँ। ये फिटनेस है आपकी? हाँ। क्या करते हैं फिटनेस के लिए आप? खाते। ये फिटनेस रामगढ़ के आटे की रोटी से आई है। आई है। मेम साहबों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, क्योंकि इन्हें अपने घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, उनको क्या खिलाएं, ये जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। तो खेलते हैं कॉलगेट झटपट अटैक राउंड। मेरा पहला सवाल है कि दांतों की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सबसे पहले झंडा उठाया है रश्मि जी ने। रश्मि जी आप बताइए। सही जवाब है आपका। दूसरा मौका आप सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुनेंगे सवाल। कैल्शियम इनमें से सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? ऑप्शंस हैं आप लोगों के, ए दूध, बी अंडा, सी मछली। दूध में। बिल्कुल सही जवाब। किसी भी इंसान को एक दिन में कितनी बार दांतों की सफाई करनी चाहिए? रश्मि जी
दो बार सुबह और रात में खाने के बाद। सही है भाई, जवाब सही है बिल्कुल, दो बार सुबह और रात को। चीनी आपके दांतों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है? कैविटीज होता है मीठा खाने से। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी मौका है, किसी टूथब्रश में किस तरह के ब्रश का इस्तेमाल होना चाहिए? ए सॉफ्ट, बी हार्ड। सॉफ्ट। बिल्कुल सही जवाब दिया रश्मि जी आपने। जो बैच है ये मैं देने वाला हूँ रश्मि जी को, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा 3 जवाब। और अब हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर शब्बीर आलम जी। हमारा जो शो है बिग बेम साहब, इसमें महिलाओं का जो किरदार है घर के लिए परिवार के लिए बड़ा अहम है, और सबका वो ख्याल बखूबी करती हैं, लेकिन खुद का ख्याल खासकर खान पान का वो ठीक से नहीं कर पाती। तो ऐसा क्या डाइट हो उनका, क्या खान पान हो? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट वो हुआ जिसमें एक ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होनी चाहिए, जैसे साग हुआ, साथ में कोई जूस ले लें। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो हॉर्लिक्स ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर दूध नहीं मिला तो उसको गर्म पानी, गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं। आप अगर डाइट प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पाते हैं तो भी अगर हॉर्लिक्स पीना है तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा समय लेने वाली चीज़ नहीं है, आप हॉर्लिक्स पी सकते हैं और अपना डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ओडिशा एरिया में और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन है अगली मैम साहब जो रांची से आ रही हैं अपना हुनर दिखाने। नमस्ते, मेरा नाम शारदा मुखिया है, मैं डोरंडा रांची की हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं ही बिग मैम साहब जीतूंगी, क्योंकि इस बार वो सारे क्वालिटीज़ मेरे में है जो जजेस को चाहिए। मैं डांसिंग, सिंगिंग और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा करती हूँ। हम चाहते हैं कि वो आगे जाए, हर कंपटीशन डांसिंग, सिंगिंग या एक्टिंग जो कुछ भी हो, बस दिल खोल के करे और जज का मन को जीते। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा आप ये बताइए कि हनुमान जी की माँ का नाम क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जी का पिछती हूँ रोगो जय राम देता दिल बन जाना अंजनी 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 पुत्र। क्या हुनर दिखाना चाहती हैं आप? डांसिंग। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाबूजी जरा धीरे चले, बाबूजी जरा बिजी थे तो उन्होंने मुझे भेज दिया, आपको कोई एतराज तो नहीं? आप आगे वो क्या कम है, और आपके साथ भी डांस करना है, क्या आप रेडी है? पहली बार किसी मुखिया के साथ डांस करूंगा। 5 साल पहले मिल जाते तो शायद मिसेस सिन्हा भी बन सकते थे। बन्नो की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। आजकल कन्या भ्रूण हत्या बहुत चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? जब तक महिलाएं, गांव हो देहात हो, वहां पे अगर महिलाएं आवाज़ नहीं उठाएंगी तब तक ये नहीं रुकेगा। बिल्कुल, बहुत लोग दबदबा जाता है कि ससुराल में बोल रहे हैं सास ससुर तो मुझे करना पड़ा अबॉर्शन चाहे ऐसा। जब तक इसके लिए महिलाएं जागरूक नहीं हो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें इनकार करने इसके लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। अरे भाई नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। बोली चूड़िया बोली कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं ते मर गया। ले चल ले चल सॉरी ले चल ले चल। वाह रश्मि जी, बहुत अच्छा डांस किया आपने। थैंक यू प्रेस जी। बहुत सारी जो है ना गृहिणियां हैं वो डांस नहीं कर पाती हैं जी, तो उनके हस्बैंड फिर पड़ोस उड़ोस में झांकते रहते हैं
तो उन पतियों को क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ऐसा होता नहीं है प्रियेश जी, क्योंकि वो जाएंगे तो फिर वापस घर नहीं आएंगे। बहरहाल आपने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। हमारे यहाँ फिल्में समाज का आईना दिखाती हैं। मैं अभी आप लोगों से जानने वाला हूँ कि आप लोगों में कौन है बॉलीवुड का एक्सपर्ट, यानी कि हमारे बीच में कौन है बॉलीवुड के एक्सपर्ट मेन साहब। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, तारीख पे तारीख मिलती रही जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये किस फिल्म का डायलॉग है? दामिनी। ये जवाब बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। शाका, अपने आदमियों से कह दो कि अपने अपने हथियार फेंक दे, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा निशाना कभी चौंकता नहीं। हाँ, ये किस अभिनेता द्वारा बोला गया डायलॉग है? शत्रुघ्न सिन्हा। ये जवाब बिल्कुल सही है, थैंक यू, दुरुस्त जवाब, तालियां। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनेटर, ये डायलॉग किस अभिनेता ने बोला है? शाहरुख खान। बिल्कुल सही जवाब, सही सही जवाब देकर बॉलीवुड एक्सपर्ट मेम साहब बनी हैं प्रियंका जी। और प्रियंका जी, आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। तो आइए अब फाइनली देखते हैं कि रांची ऑडिशन से वो कौन कौन मेम साहब हैं, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो गाला राउंड्स के लिए चयनित हुए। रांची ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं आकांक्षा सिंह और शारदा मुखिया। तो देखते रहिए बिग बॉस सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तन को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। दोस्तों, जिंदगी का असली मजा तभी है जब या तो जरा रफ्तार हो जाए या आप कहीं गिरफ्तार हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रियेश सिन्हा और स्वागत है आपका हुनर के उस खोज में जहां घर गृहस्थी संभालने वाली साधारण महिलाएं दिखाएंगी अपनी असाधारण प्रतिभाएं, यानी कि आपका अपना शो एक्सपर्ट बिग बॉस साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाई हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ एंड पावर्ड बाय कॉलगेट। पिछले 6 सीजन से बिग गंगा की यह कोशिश रही है कि घर गृहस्थी संभालने वाली आम गृहिणियों को भी वो मंच मिल सके जहां वो अपने सपनों को उड़ान दे सके, अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तो सीजन 7 की शुरुआत करने मैं यहां पहुंचा हूं जमशेदपुर, यानी टाटा नगर। लौ नगरी के रूप में जमशेदपुर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। टिस्को, टेल्को जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कारखानों के अलावा डिमना लेक, जुबली पार्क, दलमा पहाड़, हुडको लेक, मोदी पार्क और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर को एक नई पहचान देते हैं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर को अगर फिल्मी सितारों की फैक्ट्री भी कहें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। आज हॉलीवुड में अपने अभिनय का परचम लहरा रही बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म यही हुआ था, बल्कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली यही के रहने वाले हैं, अभिनेता आर माधवन जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी सौरभ तिवारी यही के रहने वाले हैं, पूर्व फेमिना मिस इंडिया तनुश्री दत्ता, सिंगर श्वेता राव, अभिनेत्री सिमोन सिंह सब, बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर सुबह से लेकर शाम तक का मैं समय आपसे ले लूँ तो मैं नाम गिनाता रहूँगा और जमशेदपुर के शहर से वो टैलेंटेड नाम निकलते रहेंगे। तो देखने वाली बात ये है कि अब बिग मेम साहब सीजन 7 के खिताब को जीतने के लिए कौन सा सितारा यहां से निकलता है। मुझ में है कुछ बात, खड़े कर दूंगी सबके खाते, क्योंकि मैं ही बनूंगी बिग मैम साहब सीजन 7, मैं ही बनूंगी बिग मैम साहब। तो मैं आप सभी लोगों से पहले थोड़ा परिचय ले लूं, थोड़ी थोड़ी बातें कर लूं और फिर हम धीरे धीरे अपने राउंड्स के बारे में जाएंगे, राउंड्स के बारे में बताऊंगा मैं। तो आप लोग बिग मैम साहब क्यों बनना चाहते हैं, पहले आप? मैं तो कुछ बता नहीं, कभी सोची नहीं थी कि मैं आपके सामने आऊँ जो टीवी में देखते हैं। मैं भी अपना एक पहचान बनाना चाहती हूँ और बिग मेम साहब के जरिए बार बार देवर जी से मिलने का मौका मिलता है। थैंक्स टू बिग मेम साहब जो इसने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू मिश्रा जी। प्रीति जी, ये बताइए कि बिग मेम साहब आप क्यों बनना चाहती हैं? लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं,
बिग मैम साहब बनने का पहला रीजन तो ये है कि बिग मैम साहब बनूंगी तो पहले आपसे मिलूंगी। अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि मैं सबको ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं एक हाउसवाइफ ही नहीं हूँ, उसके साथ मैं और भी कुछ करके दिखा सकती हूँ। तो ये आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा बिग मैम साहब के ऑडिशंस में जमशेदपुर के मैम साहबों का, जहाँ पे ये लोग भरपूर एक्साइटेड है अपने अपने ऑडिशंस को देने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए। तो इनके हुनर को हमारे जजेस जज करेंगे। तो ये जूरी मेंबर्स कौन है, आइए मैं इनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारी आज की पहली जज हैं जमशेदपुर की मशहूर कथक नृत्यांगना श्याम श्री। अपने जैसे और भी औरतों के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इन लोगों को जजमेंट से भी ज्यादा मोटिवेट करने आ रही हूँ और इनसे कुछ सीखना भी चाहती हूँ, इन्हें थोड़ा बहुत कुछ सिखाना भी चाहती हूँ। पेशे से नृत्य शिक्षिका श्याम श्री कथक को अपनी जिंदगी मानती हैं। डांस के जरिए ये अपने छात्रों को जीवन में खुशियां तलाशने की कला सिखाती हैं। हम औरतों की वजह से ये दुनिया है, ये तो हम सब मानते हैं कि हम है तो सब कुछ है। इनके पति इनके जीवन के आदर्श हैं, जो हर कदम पर इनका हौसला बढ़ाते हैं। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ बिग मैम साहब सीजन 7 के ऑडिशन वेन्यू में। आप भी मेरे साथ आइए। ऑल द बेस्ट जमशेदपुर। हमारी आज की दूसरी जज हैं विजेता विश्वकर्मा जी। प्रयाग समिति इलाहाबाद जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान से नृत्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त विजेता जी को बचपन से ही डांस का शौक रहा है, इसलिए इन्होंने डांस को ही अपना प्रोफेशन बनाया। विजेता जी का मानना है कि हर महिला में कई प्रतिभाएं छुपी होती हैं, जरूरत है उसे बाहर लाने की। आज मैं ऑडिशन लेने जा रही हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जमशेदपुर की महिलाएं जो भी अब कंटेस्टेंट भाग लेगी वो अपना पूरा दमखम दिखाएंगी। बेस्ट ऑफ लक जमशेदपुर और बेस्ट ऑफ लक यहाँ की महिलाएं। तो बिग मैम साहब सीजन 7 जमशेदपुर के पहले ऑडिशंस को स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। शुभारंभ करता हूँ मैं अपने पहले कंटेस्टेंट से। कोने बदरा से कजरा चुराई लो। मेरा नाम पूजा गोस्वामी है। एक्चुअली मैं शादी से पहले बिग मैम साहब देखा करती थी, मुझे भी मन करता था कि मैं भी जाऊं, पर मेरी शादी नहीं हुई थी। जैसे मेरी शादी हो गई तो मैं बहुत खुश हो गई, अरे मुझे बिग मैम साहब में जाने का मौका मिलेगा। जब मैं बिग मैम साहब में आऊंगी तो पूरा स्टेज फाड़ के रख दूंगी। हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा करके खुश नहीं हो। शादी करके कौन खुश होता है, ये तो वो लड्डू है जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया सो तो पछताता ही है। कुत्ते कमीने, तेरा खून पी जाऊंगा। शादी आपकी कब हुई? अभी हाल ही दिसंबर में। लोग शादी के बाद तो हनीमून पे निकल जाते हैं, आप ऑडिशन देने चले? नहीं, लेके गए। कहाँ है? यही है क्या? कहाँ है? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आए वो। क्या सोच के आई हैं आप? अपना प्रतिभा दिखाना चाहते हैं इस मंच पे, ताकि और कोई दूसरा भी इससे प्रेरित हो। जैसे प्रेरित हो ना, आपका पति जरूर प्रेरित हो और लेके हनीमून पे जाए कि भाई ये तो बड़ी प्रतिभावान है, इसे तो हनीमून पे लेके जाना चाहिए। आपका नाम बहुत ही अच्छा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आपका नाम आपके मामा ने सिलेक्ट किया था या पापा ने? मम्मा पापा दोनों ने सिलेक्ट किया था। आपको मेरा इंटरव्यू लेने लगी थी क्या? मेरा सिलेक्शन करना है? ऐसा कुछ नहीं है। बिग मैम साहब बनने का ख्याल कब आया? अभी अभी जस्ट आया है। आपने इंटर किया उससे ख्याल आया कि भाई तेरे बिग मैम साहब बन गया। एक पुरानी कहावत है कि घर की मैम साहबों को अपने से ज्यादा पड़ोस की मैम साहबों के बारे में जानकारी होती है। तिवारी इनके यहाँ 24 इंच की टीवी खरीद के आई, मैं भी जा रही हूँ शाम में 36 इंच की टीवी खरीद के ला रही, उन्हें बताऊंगी। बिना कुछ जांच पड़ताल के सारी जानकारी रखना अपने आप में एक हुनर है, लेकिन हम इस हुनर के बारे में बात नहीं कर रहे। हम ये देखने आए हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस के अलावा इन्हें अपने शहर के बारे में भी जानकारी है या नहीं। तो मैं इनसे इनके शहर के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, तो जो इन सवालों के जवाब सही सही देंगी वो बनेंगी जमशेदपुर की एक्सपर्ट मैम साहब। तैयार हैं आप लोग? तो मेरा पहला सवाल है इनसे, जमशेदपुर स्टेशन को कौन नाम से जानते हैं? टाटा नगर रेलवे स्टेशन। और किसी को कोई जवाब देना है? टाटा नगर जंक्शन। टाटा नगर जंक्शन कहते हैं इसे। चले आप दोनों को एक एक नंबर देते हैं। दूसरा सवाल, 3 मार्च को जमशेदपुर में धूमधाम से क्या मनाते हैं? जमशेद जी नसरवंजी जी का हम लोग बर्थडे मनाते हैं 3 मार्च को। सही जवाब दिया है इन्होंने। पढ़ते हैं आगे,
टिस्को के फाउंडर कौन थे? जमशेद जी नौशिरवान जी टाटा है। बिल्कुल सही जवाब। मेरा अगला सवाल है, जमशेदपुर में कितनी नदियां हैं और उनके नाम? जमशेदपुर में तीन नदी को माने जाते हैं, स्वर्णरेखा नदी, खरखाई नदी, दोमुहानी नदी। ये सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वर्णरेखा पर बने ब्रिज का क्या नाम है? आप बताइए जवाब। गांधी सेतु। ये जवाब गलत है, आप बताइए। मांगो पुल के नाम से जाने जाते हैं। जवाब आप लोगों का गलत है, सही जवाब है जयप्रकाश सेतु। अगला सवाल है, जमशेदपुर का फेमस डैम कौन सा है? चांडिल डैम। डिमना डैम। बिल्कुल सही जवाब, डिमना। और अब आखिरी मौका देता हूँ आप लोगों को, जमशेदपुर शहर के अंदर कौन सी लेक है? आप डिमना लेक बताया आपने, नहीं आप बताइए। डिमना लेक ही है। डिमना लेक ही है। फुटको लेक। जी फुटको लेक। लोग बोलते हैं फुटको, ये फुटको है। फुटको लेक। देखिए हुटको भी नहीं है और डिमना तो डैम है ही। ये है जयंती लेक, जयंती सरोवर। यहाँ सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन बना है और कौन जमशेदपुर की एक्सपर्ट मेम साहब हुई हैं, ये बताऊंगा मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाई हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाई कॉलगेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। तो ब्रेक से पहले मैंने जब जमशेदपुर के बारे में मेम साहबों से सवाल जवाब किए तो इनके जवाब तकरीबन बहुत सही रहे, तो इन्हें अपने शहर के बारे में वाकई बहुत पता है। इस तहकीकात में मुझे ये भी पता पड़ा कि जिन्हें सबसे ज्यादा पता है यानी कि जमशेदपुर के एक्सपर्ट मेम साहब, और वो हैं श्वेता सिंह। श्वेता जी आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये बैच, एक्सपर्ट की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर। आइए चलते हैं ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि वहां क्या धमाल चल रहा है। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है, मैं जमशेदपुर के डेलको की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे दो प्यारे बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड टाटा हिटाची में विंडो क्वालिटी में डिविजनल मैनेजर पे काम करते हैं। बिग मेम साहब का एड मैंने फेसबुक पे देखा। मैंने जब ये एड देखा तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि इस तरह का शो पे तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली हाउसवाइफ्स के लिए होता है। इसलिए आज मैं ऑडिशन देने आई हूँ। रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर का कीमत कुन तुम क्या जानो। ए रानी, जब से तोरा के देखले बानी हमार दिल के चैन हेरा गइल बा। अरे ओ शाम्भा, कितने आदमी थे। सभी मेम साहब अपने अपने हुनर को दिखाने में उस्ताद थे, पर इन उस्तादों में उस्ताद कौन निकला है ये वक्त हो चुका है बताने का। जमशेदपुर ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं पूजा गोस्वामी और श्वेता सिंह, रांची से आकांक्षा सिंह और शारदा मुखिया। ये चारों मेम साहब कल से हमारे साथ खेलेंगी गाला राउंड। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आपको भी मौका मिल सकता है, इसलिए अभी भी निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि तैयारी करते रहे और कॉल का वेट करें। तो जमशेदपुर के ऑडिशन में जिनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा वो चार मेम साहब मेरे साथ हैं और इन्हें मिलता है एक्सपर्ट डिशवॉश बार की तरफ से शानदार गिफ्ट हैम्पर्स और बैचेस।
तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए शहर में कुछ नई प्रतिभाओं के साथ। तब तक अपने दोस्त प्रियेश को दीजिए इजाजत और अपना प्यार देते रहिए, देखते रहिए एक्सपर्ट बिग बेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। टेक केयर, बाय बाय।